सी द पिक्चर इज नो डाउट वेरी ब्यूटिफुल, कलर्स अगर आप देखें तो बहुत ही सुंदर है, पिंक और येलो का कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं, दो ट्रीज हैं और दोनों में ऐसा लग रहा है इट इज अ टाइम वेयर देर इट इज फुल ऑफ फ्लावर्स, ब्लॉसम कर रहे हैं, सब अच्छा हो रहा है. एंड देन दीज ट्रीज आर कनेक्टेड, इनकी ब्रांचेस कनेक्ट हो रही हैं एंड इट इज शोइंग फ्रेंडलीनेस. अगेन देखिए वाटर सिंबल का कार्ड है नीचे, अगर आप वो डायमंड बॉक्स देख रहे हैं इट इज ब्लू इन कलर, तो वाटर सिंबल का कार्ड है, इसका मतलब देर इज इमोशनल एक्सचेंज हैपनिंग हियर. ये दो ट्रीज एक दूसरे के साथ जो ब्रांचेस मिला रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, कुछ एक्सचेंज हो रहा है दोनों में. अब यहाँ एक्सचेंज क्या होगा, यहाँ इमोशंस का होगा. और अगर आप ये पर्टिकुलर पोर्शन देखें जहां पे दोनों ब्रांचेस मिल रही हैं, तो यहाँ पे ना तो कंप्लीटली ये पिंक है और ना कंप्लीटली येलो है, इट इज अ मिक्स ऑफ कलर, अ मर्जिंग ऑफ कलर यू कैन से. तो ये All of जो it, yes. एक्सचेंज हो रहा है, ये एक्सचेंज इस लेवल तक हो रहा है कि दोनों एक दूसरे में मर्ज हो रहे हैं. नाउ दिस कार्ड इज एन इम्पॉर्टेंट कार्ड व्हेन इट कम्स इन रिलेशनशिप रीडिंग. व्हाई? बिकॉज इसमें क्या है कि इमोशंस इस हद तक एक्सचेंज हो रहे हैं कि दोनों एक दूसरे की बात को समझ रहे हैं, अपना जो विचारों का आदान प्रदान है वो इस तरीके से हो रहा है कि कॉमन प्लेटफॉर्म उन्हें मिल गया है एक, जहां वो एक दूसरे से कनेक्ट कर पा रहे हैं. सो दिस कार्ड एट टाइम्स रिप्रेजेंट्स रिलेशनशिप ऑल्सो, इट रिप्रेजेंट्स अ काइंड ऑफ पार्टनरशिप ऑल्सो. ये किसी तरीके का कोई ऐसा एसोसिएशन जहां आप कुछ कॉमन शेयर करेंगे, उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है ये कार्ड. तो हम अभी इसके सिर्फ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन पे जा रहे हैं, अभी हम इसके इनडेप्थ मीनिंग को देखते हैं कि एक्चुअली ये कार्ड कहना क्या चाह रहा है हमसे. इसमें अगर आप देखें तो जो ब्रांचेस हैं दोनों पेड़ों की वो आपस में मिल रही हैं और उनकी जो पेटल्स गिर गई हैं वो भी बहुत सुंदरता से अपने कलर्स को बिखेर रही हैं धरती पे. ऐसा लग रहा है कि जैसे यू नो इट इज हेवन ऑन अर्थ वाली फीलिंग इसको देख के, बिकॉज अ वेरी अनयूजुअल साइट. तो अगर आप देखें दोनों पेड़ जो हैं वो डीप रूटेड है सॉइल में, तो इसका मतलब कि ग्राउंडेड है, उनका कनेक्शन है मदर अर्थ से. तो एसेंस क्या आ रहा है, एक मैच्योर फीलिंग का आ रहा है, फ्रेंडशिप का आ रहा है, जहां वो एक दूसरे से आसानी से घुल मिल रहे हैं. एंड दैट इज व्हाई आई सेड कि ये रिलेशनशिप रीडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है ये कार्ड. तो यहाँ पे क्या है कि देर इज नो अर्जेंसी अबाउट द कनेक्शन, कुछ ऐसा नहीं है, कुछ सेल्फिश मोटिव नहीं है, कुछ एक्सचेंज की भावना नहीं है कि अगर मैंने ये दिया तो इन एक्सचेंज मुझे ये मिलेगा. ये कार्ड क्या है कि उस फ्रेंडलीनेस में एंटर करने के लिए दोनों तैयार हैं. इसमें क्या है कि किसी भी तरीके का आप देखेंगे कोई प्रॉफिट लॉस नहीं सोच रहे हैं. इनफैक्ट अगर आप देखें तो इट इज एक नए रिश्ते का जन्म हो रहा है, एक नई भावना का जन्म हो रहा है, जहां पे वो कंप्लीटनेस वो महसूस कर पाएंगे. तो ये जो आप जिस तरीके की भावना देख रहे हैं इट इज अनकंडीशनल लव, या एक ऐसी भावना जहां पे कोई एक्सपेक्टेशन या डिमांड नहीं है. तो ऐसे रिलेशनशिप का जन्म होते दिख रहा है अगर ये कार्ड आता है तो, रीडिंग में आता है तो. राइट? अब ओशो इससे रिलेटेड क्या बता रहे हैं कि फर्स्ट यू नीड टू मेडिटेट एंड देन बी इन दैट स्टेट ऑफ ब्लिसफुलनेस, देन मच लव विल हैपन ऑफ इट्स ओन अकॉर्ड. तब क्या होगा कि आपको दूसरों के साथ रहना अच्छा लगेगा, अकेले रहना भी उतना ही अच्छा लगेगा. तो ये क्या है कि आप एक ऐसे स्टेट में आ गए वेयर यू आर न्यूट्रल,
ना आप ओवर एक्साइटेड हो रहे हैं किसी चीज के लिए और ना ही किसी चीज से आप ड्रेन हो रहे हैं या परेशान हो रहे हैं। तो आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहे अपने इमोशनल सेटिस्फैक्शन के लिए या इमोशनल हैप्पीनेस के लिए। ये हो गया। इनफैक्ट आप किसी और को खुद पे निर्भर भी नहीं कर रहे हैं। व्हाई? बिकॉज यू आर बिहेविंग न्यूट्रल। आप ऐसा नहीं है कि किसी एक के लिए एक्स्ट्रा। अब अगर आप इन दोनों पेड़ों को दोबारा से देखें, मैं एक सेकेंड आपको दोबारा से दिखाना चाहूंगी। आप इन दोनों को देखिए, ये दोनों आपस में जहां ब्लेंड हो रहे हैं, आप अगर देखेंगे कोई भी पेड़ दूसरे की ओर नहीं झुक रहा है। प्लीज इसे ध्यान से देखिए और ये चीज अपने मन में बैठाइए, क्योंकि दोनों की अपनी कंडीशनिंग, अपनी रूट्स इतनी स्ट्रांग है कि उन्हें नोबडी इज फॉरगोइंग वन थिंग फॉर द अदर। अनलाइक इन प्रेजेंट डे रिलेशनशिप जो हम देखते हैं कि अगर किसी रिलेशनशिप में सर्वाइवल आज की डेट में अगर हम बात करें तो क्या होता है कि आपको अपने आप से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, अपने इमोशन से करना पड़ रहा है, या एक पॉइंट पे खुद को खत्म करके एक रिलेशनशिप को जिंदा रखना पड़ रहा है इन अ वे। वाई? बिकॉज यू आर सेक्रीफाइसिंग टू मच ऑफ योर सेल्फ, वेदर इट इज मदर चाइल्ड रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप, वट एवर रिलेशनशिप यू टेक। तो इसमें क्या है कि आपकी इंडिविजुअलिटी खत्म नहीं हो रही है। ये एक ऐसी स्टेट है कि जहां पे हमेशा इट इज ओपन, ऑलवेज रिसेप्टिव। ये कभी रिलेशनशिप बने या ये अलग रहे, यू रिलेट बट यू डोंट क्रिएट अ मैरिज। दिस इज समथिंग वेरी बिग। अगर हम देखें कि जैसा कि आज के युग में भी अगर हम एग्जाम्पल ले तो राधा कृष्ण जी के प्रेम का लिया जाता है इसमें एग्जाम्पल, कि वो एक ऐसा अनंत प्रेम है जिसमें एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, कमिटमेंट का स्टैम्प जरूरी नहीं था। आज भी उनका जब नाम लेते हैं तो आदर के साथ लेते हैं, वहां कोई डिमांड नहीं थी। देर वॉज नथिंग फिजिकल सीन और उसके बाद कोई रिलेशन बना, ऐसा नहीं था। एक दूसरे को समझने का भाव था, एक दूसरे के लिए अपनी खुशी से उस तरीके से करने का भाव था। नाउ मैरिज इज आउट ऑफ फियर एज पर व्हाट ओशोस टीचिंग इज सेइंग, कि मैरिज इज आउट ऑफ फियर, रिलेटेडनेस इज आउट ऑफ लव। व्हेन यू रिलेट विद अ पर्सन यू एक्चुअली लव अ पर्सन। मैरिज में फियर क्यों? बहुत सारी चीजों की वजह से, क्योंकि वहां पे आप जब वो कमिटमेंट का स्टैंप लगाते हो तो देन देयर कम्स अ फियर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कई बारी आप ले लीजिए, अ फियर ऑफ लूजिंग वन सेल्फ, लूजिंग द आइडेंटिटी। सी व्हाट इज हैपनिंग इज द वेरी फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस, जैसे ही आपकी शादी होती है, नाउ द फीमेल हैज टू लीव द होम ऑफ हर पेरेंट्स। उसे अपना सरनेम छोड़ना है, उसे अपना पेरेंट्स का घर छोड़ना है, और इसी को अडेप्ट किया इस कल्चर ने। तो क्या हो रहा है, इसमें बहुत सारे डर हैं। वाई? बिकॉज वो लड़की को भेज रहे हैं तो उसके पेरेंट्स को अंदर से डर है, पता नहीं वहां पे कैसा फैमिली एनवायरनमेंट होगा, क्या वो एडजस्ट करेगी नहीं करेगी, क्या रहेगा। तो दैट इज अ फीलिंग ऑफ फियर। नहीं तो अदरवाइज अगर आप हमारे वेदों में देखें तो कन्यादान महादान माना जाता था। जो पेरेंट्स कन्या का दान करते थे वो पेरेंट्स पूजनीय होते थे समाज में, कि इन्होंने एक महादान किया। आज की डेट में वो क्या होता है कि आपने लड़की दी है तो आप झुक के रहोगे, यू हैव टू लुक आफ्टर एवरीथिंग। तो वो चीज पहले नहीं होती थी। आज की डेट में इट हैज बिकम मोर आउट ऑफ फियर। सो दैट इज वॉट ओशो इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन हिज टीचिंग्स, कि कोई भी रिलेशनशिप अगर आउट ऑफ फियर है तो देन इट इज नॉट रिलेटेडनेस। तब आप अपने मन से नहीं कर रहे, वहां वो रिलेशनशिप की एग्जिस्टेंस खत्म होने लगती है धीरे धीरे करके। आप रिलेट तब तक करते हैं जब तक चीजें बहुत सुंदरता से मूव कर रही हैं। और अगर आपको लगता है कि ऐसा मोमेंट आ गया है वेर यू नीड टू डिपार्ट, क्योंकि आपके रास्ते अलग हैं, तो आप
उसी ग्रेस के साथ गुड बाय कहने के लिए तैयार रहते हैं, एक दूसरे को ग्रैटिट्यूड पे करते हैं कि वॉट एवर देव डन, वॉट एवर देव टॉट, वॉट एवर देव बीन विथ, सो दैट हैज बीन अ ग्रेट जर्नी। उसके बाद अब डिपार्ट करेंगे, और डिपार्ट क्यों, क्योंकि हम रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे के पाथ्स का, एक दूसरे की स्पेस का। नॉट डिपार्टिंग विथ अ हार्ट फुल ऑफ सोरो और एनीथिंग, बट डिपार्टिंग विथ जॉय। सो दिस इज वॉट एयर की, वो बहुत सुंदर थी, इसमें कोई भी दर्द नहीं था, और जब आप अलग भी हो रहे हैं तो किसी हीन या बुरी भावना के साथ नहीं हो रहे। आई ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स दिस पिक्चर प्लीज। मोर अब हम इसमें देखें, जमीन पे बिखरे हुए हैं। अब सीजन का अगर हम देखें तो एक ऐसा सीजन भी आता है जब पेड़ों पे एक पत्ती भी नहीं रहती है, तो वहां पे ये क्या कलर्स मर्ज करेंगे? नहीं करेंगे। सो दैट इज दैट दे आर डिपार्टिंग विद, ये फिर से खिल जाएंगे। क्या है, ये रिलेटेबल है। आपने नोटिस किया होगा अपनी रियल लाइफ में भी, हमारे कई ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जिनसे हम सालों बात नहीं करते, और अचानक से कभी बात होती है तो वी फील हैप्पी अबाउट इट। वहां पे ना तो आपके उन फ्रेंड को ये कमिटमेंट का डर है कि नहीं अगर फोन नहीं किया तो गुस्सा हो जाएगा, और ना ही आपको ये अंदर से मन में रहता है कि इतने टाइम से बात नहीं हुई, उसने फोन नहीं किया गलत किया, या मैं फोन नहीं कर पाया या कर पाई तो गलत हुआ। वो गलत वाली भावना नहीं होती, भावना क्या होती है कि हमने वो जो टाइम एक साथ स्पेंड किया था वो कितना सुंदर था। सो वी हैव दोज मेमोरीज, सालों बात नहीं होगी लेकिन जब मिलेंगे तो योर हार्ट विल बी फुल ऑफ जॉय। एक्चुअली दैट इज रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप है जो आज की डेट में है, विच इज बाउंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस, दैट इज नॉट अ रिलेशनशिप, राइट? तो ये कार्ड जब आता है, इट इज एक्सप्लेनिंग दैट ट्रू रिलेशनशिप। अभी इस कार्ड से रिलेटेड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। Amazing explanation, ma'am. Amazing. I have read it once or maybe twice. Such a beautiful poetic description. Absolutely amazing. Thank you. थैंक यू। आरती जी पूछना चाह रहे हैं? यस मैम, ये जो मतलब इस समय हम सामने वाले से अपन को माने वो भावना नहीं रखनी है कि वो हमको कुछ देगा, अपन जैसे हैं बस वैसे रहे हैं, इस टाइप का ना हाँ जी, देखिए अगर आप रियल रिलेशन की बात कर रहे हैं तो ना तो किसी से वो एक्सपेक्टेशन रखनी है, क्योंकि आप कभी भी नोटिस करेंगे कि जितने भी लोग दुख में हैं वो दुख में सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने उम्मीद लगाई, एक्सपेक्टेशंस रखी। आज आपकी खुद की फिजिकल बॉडी है, आपकी सबकी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने खुद के लिए रहती है। तो एक चेंजेस हमारी फिजिकल बॉडी में भी आते हैं, हमारी कार्य क्षमता जो स्टार्टिंग में होती है वो एक लेटर एज में नहीं रह जाती, तो हम वो धीरे धीरे एक्सपेक्टेशन अपनी बॉडी से भी छोड़ते हैं, छोड़ते हैं ना कि अब हम उतना नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आप बचपन में एथलीट रहे हो, आप 100 मीटर्स दौड़ते हो, और अभी वो एक्सपेक्टेशन आप अपनी बॉडी से नहीं रख सकते, है ना, क्योंकि वो चीज आपने वहां से छोड़ी। तो ऐसे ही बिना उम्मीद लगाए आप अपना जैसे ध्यान रखते हैं, वैसे ही अगर आप किसी का करते हैं बिना उम्मीद के, देन दैट इज रिलेशनशिप। अदरवाइज जितने ये कमिटमेंट्स और जितने ये एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से होते हैं वो एक सच्चा रिलेशनशिप नहीं होता। वो तो फिर ये है
कि या तो सोशली बाउंड चल रही हैं चीजें या फिर आपके मन के डर के कारण चल रही हैं, राइट? ये ओशो की टीचिंग्स हैं। अदरवाइज अगर हम इस कार्ड को वैसे रीडिंग में लें तो हाँ, ये एक रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है जहां पे एक दूसरे के भावना आदान प्रदान हो रहा है सकते हैं। अगर ये करियर से रिलेटेड रीडिंग में आता है तो ये एक पार्टनरशिप को भी सिग्निफाई करता है जहां दोनों कुछ मिलके इन्वेस्ट करेंगे या दोनों किसी पार्ट पे कंट्रीब्यूट करेंगे। अगर कोई सिंगल है और उसके केस में ये कार्ड आ रहे हैं, लवर्स के कार्ड आ रहे हैं, तो वो बहुत जल्द किसी ना किसी रिलेशनशिप में पड़ने वाले हैं, थैंक यू राइट? मैम। Right?